हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द वाइट टाइगर। ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये अमेरिकन क्राइम ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया रमीन बहरानी ने, जो कि एक अमेरिकन डायरेक्टर है प्लस स्क्रीन राइटर भी है। और इस मूवी की कहानी बेस्ड है एक बेस्ट सेलिंग नॉवल पर जिसे लिखा था इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर ने, जिसका नाम था अरविंद अधिका। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की। कहानी शुरू होती है वैसे तो दिल्ली से, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, यानी कि लक्ष्मणगढ़ में, जहां पर हमारे इस मूवी का मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है बलराम हलवाई। ये बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है और इसके गांव में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वो आप लोग ये मूवी देखोगे तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। खैर, बचपन से इसने बहुत ही तकलीफें देखा है, इतनी तकलीफ कि इनके गांव में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है और दो दिन पैदल चलेंगे जब जाके हॉस्पिटल आता है। और इसी वजह से बलराम के पिताजी की भी मौत हुई थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बलराम डिसाइड करता है कि वो अपने गाँव के लैंडलॉर्ड के बेटे का ड्राइवर बनेगा। अब वो ड्राइवर बनता है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई मैंने वो नॉवेल तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से इस पूरी मूवी को एग्जीक्यूट किया है ना, एक मिनट के लिए भी मैं जगह से हिला नहीं इस मूवी को देखते हुए। फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंगेजिंग है। मूवी के दौरान मुझे एक्चुअली स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी की याद आ रही थी, हालांकि कहानी कुछ भी सिमिलर नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके जहन में वो मूवी आ जाती है। मूवी हम ये ड्राइवर इसके पर्सपेक्टिव से बताएं कि इसके नजरिए से हमें ये पूरी मूवी देखने को मिली, और जिस तरीके से हर एक सीन में इसका जो नरेशन चलता है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको इस पूरे मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया और उनके अलग अलग शेड्स देखने को मिले, उनके पॉजिटिव साइड्स, उनके नेगेटिव साइड्स, और ये सारी चीज़ें ना इस फिल्म को एक अलग लेवल पर लेके जा रही थी। और बहुत सारे लोगों की इस मूवी से एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चीज़ मुझे अच्छी लगती तो वो यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। उसके लिए इस मूवी में जो डायलॉग्स थे यार, कुछ डायलॉग्स काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है जो कि मेरे हिसाब से अच्छे नहीं है, जो मैं यहाँ पर रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ डायलॉग्स बहुत ही ज़बरदस्त थे और एक तरह का सेटायर लोगों ने यूज़ किया इस पूरी मूवी में। मैं बोलता कि जो कि मॉडर्न इंडिया है ना, जो यूथ ऑडियंस है, उनको इस तरीके की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाती है। और अलावा इस मूवी में जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को बताया है ना, ऊँची जात और नीची जात, देखो यार मूवी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती जो रियल में समाज में चलती है, लेकिन वो हम लोग छुपाते हैं। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें ना हो तो शायद मूवी मेकर्स इस तरीके की चीज़ें ना करें, और मैं इन सारी चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से तो हर एक इंसान एक बराबर है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन होता बोलने वाला। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो कैमरा एंगल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने लाइटिंग का यूज़ किया, जो एक एटमोसफेयर क्रिएट किया ना, मज़ा आ गया देखकर। मूवी का बीजेम एकदम क्वालिटी का है, मतलब एकदम बैंग ऑन टारगेट बोल सकते हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मूवी इतनी डार्क होगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ इज़ मोर अबाउट लॉयल्टी, जहाँ पर आपको एक ड्राइवर और एक मालिक देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेकेंड हाफ है वो इतना डार्क, इतना इंटेंस होता है, और जैसे जैसे सीन्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोग फील कर सकते हो कि यार यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता रही जो पूरी तरह से चीज़ों को घुमा दिया, और वहाँ पर आप सोचने लगते हो कि यार ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। और जब एंड आता है इस मूवी का, तब आप फिर से सोचते हो कि हाँ ये सब चीज़ें इस वजह से हुई, क्योंकि बोलते हैं ना हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें मतलब आप खुद फील कर सकते हो। मैं कौन होता बताने वाला। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखिए, महेश मांजरेकर का यहाँ पर इतना रोल नहीं है, लेकिन जितना भी उन्होंने अपने पर्टिकुलर रोल को अच्छी तरह से निभाया। प्रियंका चोपड़ा आपको फर्स्ट हाफ में नजर आती है, सेकंड हाफ में प्रियंका चोपड़ा का कुछ भी रोल नहीं है, तो उसका भी कैमियो भर का आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पर वो आपको नजर आती है, उसने भी अच्छा काम किया। राजकुमार राव भी अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। सीन जहाँ पर वो शराब पिए होते हैं, और उस सीन में पता चलता है कि भाई राजकुमार राव किस लेवल के एक्टर है। बाकी उसके अलावा ये एक कह सकते हो कि इस मूवी में राजकुमार राव का एक सपोर्टिंग काम ही है, लेकिन यहाँ पर मेन काम है आदर्श गौरव का, और भाई इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया है भाई, आग लगा दिया, आग। फर्स्ट सीन से लेके बंदा लास्ट सीन तक आपको इतना गजब का लगेगा, और जो भाई चेंजेस इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में थे और इस लड़के ने निभाया ना यार, मानना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं रखते, लेकिन वो अबव एक्सपेक्टेशन चीज़ें कर देता है। और आदर्श गौरव ने ये प्रूव कर दिया कि इन फ्यूचर ही विल बी वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि काफ़ी आपको गाली गलौज सुनने को मिल जाएगी, और
एक दो जगह पे इंटीमेट सीन है, एक जगह पे प्रियंका चोपड़ा के है और बस एक जगह पे सिर्फ वॉइस है, लेकिन फिर भी ये फैमिली के साथ मत देखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। हालांकि मैं इसको 10 out of 10 भी दे सकता था, लेकिन कुछ ऐसी जगह है इस मूवी में जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो यार डिसलाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगता तो शेयर भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।